सभा को आगे बढ़ाते हुए सादर अनुरोध माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी से कि सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। भारत माता की। आज किशोर महारैली में हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी और हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, हमारे जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले और केंद्रीय मंत्री श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र साहब, जम्मू कश्मीर के प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान अरविंद रैना जी, हमारे केंद्र गृह सचिव, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा गुलाम अली साहब और अन्य मंच पर बैठे हुए महानुभाव, और विशेष तौर पर मेरे सामने दूर दूर तक जम्मू कश्मीर के दिखाई दे रहे नागरिकों, मित्रों, हम सब को यह ज्ञात है कि आज हमारे मध्य में देश के गृह मंत्री लोह पुरुष अमित शाह जी हमारे मध्य में है और इनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता ही रहता है। मैं आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस भी है, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है उसे 9 साल पूरे हुए हैं और इन 9 सालों में केंद्र सरकार ने भारत में ऐतिहासिक और साहसिक कार्य किए हैं और भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए कई सारे कदम जो है वो उठाए हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारत का चहुंमुखी विकास हो रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए 2004 और 2014 का जो कार्यकाल रहा उसे देखें, जो कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार में रहा उन्होंने देश को बांटने का जो प्रयास किया, देश में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी का बोलबाला, घोटालों का दौर और फिर देश का अपमान जो उन दिनों हुआ और वोट बैंक की राजनीति, परिवार और पार्टी की चिंता करते हुए उन्होंने ये 10 साल गुजारे। और उसी के साथ साथ जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने तो उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गांव, गरीब और किसान को समर्पित रहेगी और उसी को लेकर वो आगे बढ़े। आपने देखा होगा कि 9 सालों में विकास के नाते देश ने बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है। इसके साथ साथ ही हमने देखा कि देश में ऐतिहासिक और साहसिक कार्य जो है वो हुए हैं। मैं ज्यादा ना कहता हुआ इतना तो जरूर कहूंगा कि केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जो ऐतिहासिक और साहसिक कार्य हुए हैं, विकास की तेज गति को आगे बढ़ाया गया है, अमन और शांति का दौर जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ है, इससे हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। मैं अंत में इतना जरूर कहूंगा, देखिए हम सब पहले जम्मू के नागरिक हमेशा ये कहते थे जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन आज जम्मू जो है वो विकास की गति तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है और कहीं भी भेदभाव जो है नहीं हो रहा है। हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार प्रकट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में आकर हमारा मार्गदर्शन करना चाहा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।